सत्ता का नशा किस कदर सर चढ़कर बोलता है और सत्ता के इस नशे में सत्ताधारी लोग आम जनता को किस तरह कीड़े मकोड़े समझने लगते हैं, इसकी वानगी महेंद्रगढ़ से सामने आई है और इस बार लपेटे में है कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ के सुपुत्र आदित्य धनखड़। जी हां, आदित्य धनखड़ पर आरोप है कि उन्होंने सतनाली कस्बे के सरपंच को फोन पर जान से मारने की धमकी दी है। सबसे पहले आप ये ऑडियो क्लिप सुनिए, उसके बाद पूरी खबर की ओर आगे बढ़ेंगे। हाँ हाँ हेलो, हाँ तो मिलके बैठ के बात कर लेते हैं। हाँ मिलके बैठ के बात कर लियो, आ जाइए, कोई बात नहीं। काम बिल्कुल बंद, आप मेरी बात हाँ जी हाँ जी, हाँ जी। आप रोजी रोटी से लात मार रहे हो ना, आपकी रोजी रोटी से भी लात मार सकते हैं पंचायत मंत्री। कोई बात तो नहीं भाई, हम तो आजमंगा रह जाएगा। हाँ कोई तो रोजी रोटी का हम कभी मार सकते हो आप, ये पता है हमें। नहीं ये पता है हमें, अभी हमारी रोजी रोटी नहीं है, ये हमारी रोजी रोटी नहीं है, हमें मेहनत करके खानी आदमी है। ये रोजी रोटी आप नहीं दे सकते रोजी रोटी, हमारा फांसी चढ़वा दी, कोई बात नहीं। तो इस धमकी के पीछे बात दरअसल ये है कि रेलवे स्टेशन पर गोटी लोडिंग की योजना लागू की जा रही है और इस योजना का टेंडर मंत्री धनखड़ के सुपुत्र आदित्य धनखड़ ने ले रखा है। लेकिन अब जब सतनाली कस्बे के ग्रामीण इस योजना का विरोध करने लगे हैं तो ये बात आदित्य धनखड़ को हजम नहीं हुई और उन्होंने सरपंच को फोन पर विरोध न करने की धमकी दे डाली। हमने ये शिकायत दी मेरे ऊपर, फोन के ऊपर धमकी भरा फोन आया था, उसके बारे में हमने शिकायत नहीं की है। वो फिर धनखड़ का कोई लड़का है आदित्य नाथ, वो बोल रहा था कि मैं आप हमारी रोजी रोटी को रात मारे, हम आपके को मार सकते हैं, हम पंचायत मंत्री हैं। तो मैंने कहा भाई मेरी कोई रोजी रोटी नहीं है और मेरे को पता है कि तुम पंचायत मंत्री है, सस्पेंड कर सकते हैं, मैंने सस्पेंड का कोई डर नहीं है और मेरी ये रोजगार रोटी नहीं है, इतनी बात। हालांकि इस ऑडियो क्लिप की पुष्टि पंजाब केसरी नहीं करता, लेकिन सरपंच ने मंत्री के बेटे के खिलाफ पुलिस में शिकायत दे दी है जिस पर जांच शुरू हो गई है। महेंद्रगढ़ से प्रदीप बालरोड़िया, पंजाब केसरी टीवी।